नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आप सबको पता ही होगा कि 2018 में आखिरी बार अनुष्का शर्मा को जीरो फिल्म में देखा गया था। इसके बाद अनुष्का शर्मा किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई है। पिछले ही साल अनुष्का शर्मा ने अपनी बेटी वामिका को जन्म दिया था। वामिका भी एक साल की होने वाली है। तो आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा जल्द ही फिल्म चकदा एक्सप्रेस से वापसी कर रही है। आपको बता दें कि एक बायोपिक होगी और ये बायोपिक है झूलन गोस्वामी की। जी हाँ, झूलन गोस्वामी की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है ये फिल्म और ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म में अनुष्का शर्मा की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी फर्स्ट लुक जारी हुआ है जिसमें अनुष्का शर्मा के किरदार को बहुत पसंद किया जा रहा है और जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और जल्द ही ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने हर फिल्म से पहचान बनाने वाली अनुष्का शर्मा अब 3 साल बाद चकदा एक्सप्रेस से वापसी कर रही हैं और आपको बता दें कि ये उनकी बेटी के जन्म के बाद उनकी ये पहली बायोपिक फिल्म होगी जिसमें अनुष्का शर्मा नजर आएंगी। जी हाँ, फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अनुष्का शर्मा जल्द ही पर्दे पर वापसी करने वाली है, वो भी 3 सालों के बाद। तो फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अगर आपने इसका फर्स्ट लुक नहीं देखा है तो आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स पर इसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और लोग इसके फर्स्ट लुक को देखने के बाद अनुष्का शर्मा की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आप भी जाइए और देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा अनुष्का शर्मा के मूवी का ये फर्स्ट लुक। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।